अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू शेरल्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी बैंगन। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और दाल के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमें चाहिए छोटे बैंगन आधा किलो। हमें इसको बीच से स्लिट कर लेना है इस तरह। हम बीच से हाफ कट लगा देंगे। सारे बैगन हम इसी तरह स्लेट कर लेंगे। हमें एक एक करके सारे बैगन स्लेट कर लेना है। सारे बैगन हमारे स्लेट हो गए हैं। अब हमें मसाला चाहिए। एक टीस्पून मिर्च, दो टीस्पून धनिया, हल्दी 1.5 टीस्पून, काला नमक आधा टीस्पून, पिसी खटाई 2 टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक, हींग आधा टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून अजवाइन। अब हम करेलों का मसाला 3 टीस्पून। अब हम बोले लेंगे और सारे मसाले को इसमें डाल लेंगे। सारा मसाला हम बोल में डाल लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मसाले को गीला कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गीला करें। हमें ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। सब तरफ से चलाते हुए इसको मिक्स कर लें। थोड़ा पानी और डाल लें और इसको गीला कर लें। अब देखिए हमारा मसाला गीला हो गया है। बस हमें ऐसी ही चाहिए। अब हम बैंगन में मसाला भरेंगे। हम बैंगन उठाकर इस तरह खोलेंगे और इसमें बीच में मसाला डाल देंगे अच्छे से, स्पून से या नाइफ से। अगर आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। इस तरह हम मसाला भर लेंगे। अब एक एक करके हम बैगन भर लेंगे सारे। अच्छी तरह मसाला भर लें। आप चाहें तो इसको हाथ से ही भर सकते हैं। हाथ से बड़ी आसानी से भर जाता है मसाला। देखिए इस तरह हम इसका मुंह खोलेंगे और मसाला इस तरह हाथ से भर देंगे। इससे बहुत ही आसानी से भर जाता है और अच्छे से भरता है। अब हम हमारे सारे बैंगन स्टफ हो चुके हैं। अब हम तेल गरम करेंगे। हमने 200 ml सरसों का तेल लिया है और अच्छे से इसको गरम कर लिया है। अच्छे से गरम करें, इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। अब हम एक एक करके इसमें बैंगन डाल देंगे और एकदम स्लो फ्लेम कर देंगे।
स्लो फ्लेम करने के बाद ही हमें बैंगन डालना है। सारे बैंगन हम तेल में डाल देंगे। हमारे सारे बैंगन हमने डाल दिए हैं। अब हमको इसको स्लो फ्लेम पर पाँच मिनट के लिए ढककर पकाना है। 5 मिनट के लिए हमें एकदम स्लो फ्लेम पर इसी तरह पकाना है। अब 5 मिनट हो गए हैं, हमने ढक्कन खोल लिया है। अब हम इसको पलट देंगे। सारे बैंगन हम पलट लेंगे। अगर मसाला निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये अचार ही बैंगन है, इसमें मसाला तो परी से रहता है। अब सारे बैंगन हमारे पलट गए हैं। हम इसको उसी तरह धीमी आंच पर ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट बाद हम खोलेंगे, हमारे बैंगन दोनों तरफ से पक गए हैं और ये देखिए अच्छे से गल गए हैं। दोनों तरफ से अच्छे से गल गए हैं। अब हमारे बैंगन तैयार हैं और हम अब इसको एक डिश में सर्व कर लेंगे। देखिए हमारे बैंगन तैयार हो गए हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।